सब्सक्राइब करिए लाइब्रेरी इन्फोनेट और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट लाइब्रेरी डिपार्टमेंट की वैकेंसी के लिए। दोस्तों डिटेल में बात करेंगे लाइब्रेरी की न्यू वैकेंसी की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश, आप देख रहे हैं लाइब्रेरी इन्फोनेट। नाउ लेट स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, मैं जिस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ वह आई हुए गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जैसे आपको शो हो रहा है। अगर वेबसाइट की बात करते हैं, वेबसाइट है IPU.ac.in। जैसे गूगल में सर्च करेंगे कुछ इस तरीके की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एंड थोड़ा सा नीचे आने पर यहाँ पर इंपॉर्टेंस लिंक मिलेगी, यहाँ पर लिखा हुआ है जॉब एंड अपॉर्चुनिटी। जैसे क्लिक करेंगे आपको एक न्यू वेब पेज ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके का होगा। एंड सेकेंड नंबर में देखेंगे एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर वेरियस पोस्ट। जैसे क्लिक आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरीके का होगा। इसमें सबसे पहले देख लेंगे इसमें लाइब्रेरी डिपार्टमेंट जो वैकेंसी आई है डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है ऑन डिप्यूटेशन एंड डायरेक्ट वैकेंसी। एंड सेकंड में जो आई है प्रोफेशनल लाइब्रेरी असिस्टेंट, जो कि 4 नंबर पोस्ट है एंड ऑन डायरेक्ट है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वैकेंसी है उसके डिटेल्स के बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिप्टी लाइब्रेरियन की बात करते हैं। इसमें है जो पे लेवल है 13A एंड लेबर टॉर एस पर 7 CPC है, रिवाइज्ड है। एंड क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस डॉक्यूमेंटेशन साइंस विद 55% होना चाहिए। एंड 8 ईयर एक्सपीरियंस एज एन असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन एंड कॉलेज लाइब्रेरियन। एंड एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विस इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन ऑफ ICT इन लाइब्रेरी। एंड देन फोन नंबर में देखते हैं आप PhD डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस डॉक्यूमेंटेशन साइंस एंड अचीव्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट कीपिंग कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी। ये क्वालिफिकेशन दिए हुए अगर आपकी मैच करती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन अब नेक्स्ट में देखते हैं जो लाइब्रेरी की वैकेंसी है प्रोफेशनल लाइब्रेरी असिस्टेंट की। आप यहाँ पर जो पे की बात की है, यहाँ पर लेवल 6 पे एस पर 7C है एंड पे है 9,300 to 34,800 है विथ GP 4,200 rupees है। एंड डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की है, मैं आपको MLIPS चाहिए एंड इक्विवेलेंट होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और साथ में आपको 2 एक्सपीरियंस रिलेटिव फील्ड में होना चाहिए विथ, अगर जो एक्सपीरियंस होना चाहिए 5,200 to 20,200 विथ GP ऑफ 2,400 rupees होना चाहिए। एंड आपको जो कि इक्विवेलेंट स्टेटस हैविंग टोटल कंपेटेबल इमोलमेंट, यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडी एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड रिकोगनाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, जो कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन आपको या फिर आपके पास BLE 55% होना चाहिए एंड 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड साथ में आपको यहाँ पर डिजराइबल क्वालिफिकेशन है डिग्री और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और मल्टीमीडिया और टेक्निकल कम्युनिकेशन एंड एडिटिंग एंड एप्लीकेशन वर्क में होना चाहिए आपको इसमें, तो आप यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे। एंड देन आपको इसमें एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के है, जो कि प्रेफरेबल। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट का जो एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा, यहाँ पर टॉप में लिखा है लास्ट डेट 17 February 2030 एंड स्पेस फॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटो को आप यहाँ पर पेस्ट करना होगा। देन पोस्ट अप्लाइड फॉर यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। देन आपको यहाँ पर जो मेंशन जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई करते हैं वो मेंशन करना हो। देन कैंडिडेट नेम इन फुल, आपको कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पर फुल नेम लिखना होगा। देन आपको करस्पोंडेंस एड्रेस एंड परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस एंड विथ पिन कोड आपको फिल करना होगा। मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ आपको ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ है एस ऑन लास्ट डेट है यहाँ पर मेंशन करना होगा। देन आपको फादर नेम मैरिटल स्टेटस एंड नेशनलिटी एंड कैटेगरी एंड आपको यहाँ पर थोड़ा सा रीजनल रीजन रीज
रिलीजन सब यहाँ पे मेंशन करना होगा। देन आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी एंड पीएचडी एम फिल एंड अदर मेंशन करना होगा। देन आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मेंशन करना होगा एंड यहाँ देन 60 नंबर में लैंग्वेज आपको नॉन लैंग्वेज यहाँ पर मेंशन करना होगा। देन आपको पेमेंट प्रेजेंट पे जो बेसिक पे है उसको मेंशन करना होगा एंड ये डिफरेंट टाइप को जो आपके पे स्लिप में मेंशन होगा उसको मेंशन करना होगा। देन आप 19 में देख लीजिए पीरियड रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग इफ सेलेक्टेड इन 1 मंथ 2 मंथ यहाँ पर मैंसन करना होगा। एंड देन आपको 20 नंबर में रिलेटिव इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर मैंसन कर सकते हैं। देन आपको 21 में आपको यहाँ पर किन्हीं दो व्यक्तियों को रेफरेंस देना होगा अगर आपके जो रिलेटिव ना हो अदर देन रिलेटिव। एंड देन आपको यहाँ पर आपको डेट एंड प्लेस मेंशन करने के बाद आपको सिग्नेचर करना होगा। देन आप 23 में आप देख सकिए देखेंगे कि यहाँ पर रिकमेंडेशन ऑफ द एम्प्लॉयर यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का रिकमेंडेशन आप यहाँ पर मेंशन करवा सकते हैं एंड सिग्नेचर एंड सेल यहाँ पर लगवा सकते हैं। अगर आप डिपुटेशन के थ्रू आ रहे हैं या फिर डायरेक्ट आ रहे हैं तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पर अगर एम्प्लॉयर से लगवा सकते हैं तो ठीक है, तो यहाँ पर लगवा सकते हैं। एंड देन आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन दिया है आपको यहाँ पर जो भी है, तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से, फिर देन उसके बाद अप्लाई करिएगा। तो एक बार में कुछ नॉर्मल इसमें इंफॉर्मेशन है, आपको कोई भी कॉलम है उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। आपको यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन एजुकेशन आपको यहाँ पर पूरा फुल आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। जो भी कैंडिडेट अभी प्रेजेंट में एम्प्लॉयड हैं गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एंड पीएसयू एंड यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में उनको इंटरव्यू के टाइम पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शो करना होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। देन आपको यहाँ पर एसटीएससी एंड ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से आपको यहाँ पर जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा एंड डिफरेंट टाइप के यहाँ पर है। आपको सेल्फ अटेस्टेड अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर सेंड करना होगा। आपको जो एड्रेस दिया हुआ है एड्रेस मैं दिखा देता हूँ, ज्वाइंट से रजिस्ट्रार पर्सनल रूम नंबर 117 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जो एड्रेस दिया हुआ है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, जॉइंट रजिस्ट्रार पर्सनल रूम नंबर 117 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी सेक्टर 16 द्वारिका न्यू दिल्ली 110078 बिफोर 17 फरवरी 2020 तक आपको यहाँ पर सेंड करना होगा। एंड आपको जो भी इनब्लॉप्स लेंगे इनब्लॉप्स के टॉप में अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को मेंशन करना होगा। एंड आपको मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा सभी की, तो आप वहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।